व सूर्य की संधि तक, यानी इस वाले पॉइंट तक, फिर 25 वर्ष की आयु 24 25, बुध पर्वत से सूर्य पर्वत, सूर्य व शनि पर्वत की संधि तक, ये वाला पोर्शन 50। उसके बाद बुध पर्वत के शनि पर्वत, शनि व गुरु पर्वत की संधि तक, ये वाला टाइम जगह 75। और बुध पर्वत से लेकर पूरी अगर हृदय रेखा इस तरह से बृहस्पति पर्वत के अंत तक जाए तो 100 वर्ष, 100 ईयर्स। ये बनाता है, ये भी एक तरह से किसी के लाइफ स्पैन को जज करने का तरीका है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर दिखता हो कि जीवन रेखा खंडित अवस्था में है, चीजें टूटी सूटी इस तरह से बनी हुई है लेकिन नीचे तक गई है, और हृदय रेखा काफी मजबूत है, तो छोटी मोटी दुर्घटना या छोटा मोटा हेल्थ इश्यू आने के बाद भी व्यक्ति अच्छे से जीवित रहेगा। ठीक है, जीवन रेखा अच्छी है, हृदय रेखा छोटी है, छोटी है मतलब शनि पर्वत के नीचे आके खत्म हो गई है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को अचानक से हार्ट अटैक होगा या हार्ट से रिलेटेड कुछ ऐसा इशू आएगा, वो 60 65 की उम्र में टाटा बाय बाय। तो आयु को जब भी हम देखते हैं, निकालते हैं आयु की कितनी कितनी आयु हो सकती है, तो दोनों को जज करना पड़ता है, हृदय रेखा और जीवन रेखा। सर, ये हार्ट अटैक वाली दोबारा बताइए। अगर कभी हृदय रेखा आके शनि पर्वत पर रुक गई है लेकिन जीवन रेखा अच्छी है, या जीवन रेखा के अंत में ऐसा पैरेलल कुछ हो रहा हो, या ऐसे कोई खंडित होती हुई रेखाएं बन रही हो, तो फिर व्यक्ति को हार्ट अटैक होगा। हार्ट अटैक के बाद अगर यहाँ से कोई रेखा कंटिन्यू इस तरह से जा रही है, कोई सपोर्टिव रेखा आगे बढ़ रही हो, तो फिर वो नया नई जिंदगी पा सकता है। अगर कोई रेखा ही नहीं है, खत्म है यहाँ पर, तो फिर ये हार्ट अटैक को दिखाता है, और वो भी कौन से एज में, 60 से 65 के एज में, क्योंकि मतलब 50 साल यहाँ पर शनि तक होता रुकती है, शनि तक रुकती है तो हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, होते और फिर हैं। जीवन रेखा भी खंडित हो रही हो। हाँ, अगर जीवन रेखा में कोई खंडन नहीं है तो कहाँ चला गया। अगर जीवन रेखा में कोई भी खंडन नहीं है, जीवन रेखा बिल्कुल साफ सुथरी है, तो भी व्यक्ति को इस समय में हार्ट से संबंधित कोई ना कोई डिजीज आएगा, परेशानी होगी, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, वापस अपने नॉर्मल ट्रैक में आ सकता है। अगर हार्ट जीवन रेखा बहुत प्रबल है, तो जीवन रेखा में कोई समस्या नहीं है तो।